हाय एवरीवन, मैं आफिया। आज मैं आपको अपने किचन में चिकन सूप की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जो बहुत टेस्टी होती है, बहुत मज़ेदार होती है। चले मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ें डालनी हैं। ये देखिए, हम सबसे पहले चिकन की जो है यखनी चढ़ाते हैं। उस यखनी में हम लोग जो है काली मिर्च, उसको आप चाहें साबुत डाल दें या उसको कूट लें थोड़ा सा, दो तीन हरी मिर्चें, अदरक पिसा हुआ और ये साबुत लहसुन, ये हम उसमें डाल देंगे। ये हमने 1 kg चिकन ले ली है और धो के हमने इसको साफ पानी में डाल लिया है। अब मैं ये चीज़ें इसमें डाल रही हूँ। ये सब हमने इसमें देखिए, ये सब चीज़ें डाल दी हमने। इसमें हमने हरी मिर्च डाली है, साबुत लहसुन डाला है, दो तीन जवे ले लिए थे हमने, काली मिर्च डाली है, आपकी मर्ज़ी चाहे उसको कूट लें या साबुत डाल लें, ठीक है। और थोड़ा सा अदरक पिसा हुआ। अब मैं ये इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। अभी हमारी यखनी जो है इसमें हमने चढ़ा दी है, ये पकती रहेगी बिल्कुल स्लो आंच में, दो तीन घंटे में इसको पकाएंगे, फिर उसके बाद हम सूप तैयार करेंगे। अच्छा, ये देखिए सीखे, अभी आप जो है अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक डालेंगे। और ये मैंने 1 tbsp नमक ले लिया है और 1 tbsp से थोड़े से ज़्यादा मैंने काली मिर्च ली है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग यखनी बना रहे थे हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला था, ठीक है ना। चले, ये हम दोनों चीज़ें डाल दी हैं, फिर भी हम जो है थोड़ा सा इसको टेस्ट करेंगे। सही है ये, बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अब आपको टेस्ट करके जितना आप लेना चाहते हैं स्पाइसी वो आप डाल सकते हैं। चलिए देखिए, इस मैंने चिकन को बिल्कुल श्रेड कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, ये मैंने तकरीबन जो है अपने हिसाब से जो है 4 से 5 स्पून मैंने ले लिए हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें और गाढ़ा करना होगा तो हम फिर और थोड़ा सा और शामिल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, उसको चलाते रहेंगे, क्योंकि जो चिकन सूप है वो थोड़ा सा गाढ़ा ही बनता है। पतला पतला तो अच्छा है, पतला होगा तो वो यखनी कहलाएगा। ये देखें हमारा इतना ये हो रहा है, हम सब डाल देंगे इसके अंदर, इतना ही चाहिए हमें। हमें थोड़ी देर उसको पकाना है, इसका जो कॉर्नफ्लावर है मतलब पक जाए, सही है ना। इसमें फिर 2 एग शामिल करेंगे, इसको अच्छी तरह फेंट कर। चले, हमने 2 अंडों का जो है ये वाइट हमने जो ना सिर्फ उसको फेंट लिया, ये डालना है, सही है। तो हम इसकी जल्दी हटा देंगे, तेज से चलाना है और तेज से आपको ये करना है, जल्दी जल्दी तेज तेज, ताकि गुटलियाँ ना बने, अच्छा उसका वो बने ना, ज़रा चिकन के साथ ही मिक्स होकर रेशा अच्छा बने, उसका अच्छा लगता है। अच्छा, ये मैं ना बॉयल एग डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, हमारे घर में सबको पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ, सही है ना। तो आप ये अलग से भी रख सकते हैं, जिसको पसंद है वो डाल ले, सही है ना। तो आप अलग से रखें, मैं थोड़े से डाल रही हूँ। चलिए, जो है हमारा जो है चिकन सूप ऑलमोस्ट तैयार है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसको हल्की आँच पर रख देंगे, थोड़ा सा हल्का सा और 5 मिनट इसको दे देंगे पकने के लिए, उसके बाद ये हमारा रेडी है। इसी रेसिपी से आप बिल्कुल बनाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा बनेगा, जैसी यखनी मैंने तैयार की थी बिल्कुल ऐसे ही तैयार कीजिएगा, सही है, तो बहुत अच्छा बनेगा। चलिए, अब मैं ये जो है हरी मिर्च तैयार कर रही हूँ, सिरके वाली, जो हम जो है सूप के साथ यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। ये देखें, ये तैयार है हमारी, ये ना, ये देखें ये हमारी हो गई है रेडी। चलिए, ये देखिए, ये हमारा सूप तैयार हो गया है। ये तीनों सॉसेज इसके साथ मैंने रख दिए हैं, आपकी मतलब मर्जी है यूज़ करें कि नहीं करें, तो सही है ये। अब आप ज़रूर अपने घर में बनाइएगा, ये मेरी फरमाइश थी, किसी ने मुझसे बोला था, ये मेरी नन है उनकी फरमाइश थी, उनकी फरमाइश में मैंने ये सूप बनाया है, का नाम सना है। अब वो ज़रूर देखें तो वो ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएंगे उनका कैसा लगा। चलें, अल्लाह हाफिज़। ज़रूर आप देखिएगा और ज़रूर घर में बनाइएगा। और आप एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।